and welcome to News Bearer. Today's news: a major people's movement for an autonomous state under the Article 24A of the Constitution of India took place in Dima Haso. The public meeting, organized by the Dimasa Students' Union, was held at Khepre Bazar Shed under Vajao constituency, echoing the slogan, "No state, no rest." The event drew a massive crowd, all united in their demand for an autonomous council within the Indian Constitution. Community leaders and activists voiced their support for the cause. Promeet Sengyum, secretary of the Dimasa Students' Union, emphasized to the media the urgent need for a separate state, underscoring the community's unwavering commitment to their demand. आज यहाँ हम लोग खेपरे बाज़ार वाजाओ एरिया के अंदर हम लोग यहाँ के 28 गांव के गाँवबूढ़ा और यहाँ के निवासी सभी को आमंत्रित करके हम लोगों ने एक पब्लिक मीटिंग का आयोजित किया है और इस मीटिंग को हम लोगों ने पीपल्स मूवमेंट के नाम दिया है, क्योंकि पिछले 30-35 सालों से जो लगातार दिमा हासाओ और कार्बी आंगलों का आम जनता जो एक अधूरा सपना जो ऑटोनोमस स्टेट का आर्टिकल 244 के अंतर्गत जो हम लोगों को ऑटोनोमस स्टेट मिलना चाहिए, वो सपना अभी भी अधूरा है। विभिन्न सरकारें आए और विभिन्न नेतागण आए और उन्होंने चुनाव के समय काफ़ी सारे वादे भी किए जो अभी तक अधूरे हैं। तो इस आंदोलन को और ज़ोर शोर से करने के लिए हम लोग अभी गांव-गांव में जाने का हम लोग प्रयास किया है और पिछले अगस्त के 8 तारीख में भी हम लोगों ने हाफलोंग पे भी डीसी ऑफिस के सामने हम लोगों ने धरना प्रदर्शन किया था। और लगभग पिछले 10-15 सालों से जब हम संगठन में आए थे उसी वक्त से हम लोग इस ऑटोनोमस स्टेट इशू को हम लोग आगे लेके जा रहे हैं और हम लोग का आशा है कि ज़्यादा दिन और हम लोग को इंतज़ार नहीं करना पड़ेगा और हम लोग का ऑटोनोमस स्टेट का जो सपना है ये सपना साकार होगा। और हम लोग आशा करते हैं कि इस आंदोलन में हर एक गाँव का हर एक निवासी जो इस आंदोलन में अपना योगदान देना चाहता है और वो हर जाति हर संप्रदाय का होना होगा, तभी जाके हम लोग ना ये दिमासा का मूवमेंट है, ना ये मार का मूवमेंट है, ना ये जेमी का, ना कुकी का, ना बेटे का, ना अन्य जनजाति का है। ये हम सब का एकमात्र हम लोग का समाधान तभी हो पाएगा जब हम लोग का ऑटोनोमस स्टेट होगा। तो इसीलिए हम लोग इस मंच से आज के इस मीटिंग के जरिए से हम लोग गांव-गांव के निवासियों को हम लोग विभिन्न प्रांत के लोगों को हम लोग यही मैसेज देना चाहेंगे कि आप सब भी इस आंदोलन में अपना योगदान दीजिए ताकि भविष्य में जब हम लोगों को ऑटोनोमस स्टेट मिलेगा तो हम सब इकट्ठा होके हम लोग यूनिटी होके हम लोग इस ऑटोनोमस स्टेट को हम लोग अच्छी तरीके से अपना जो स्टेट होगा हम लोग एक साथ हम लोग मिलके इसको चलाएंगे और इसमें किसी तरह का भेदभाव नहीं होना है। इस आंदोलन को ज़ोर शोर से करना है ताकि ये जो आंदोलन है इतना अंदर दिमा हासाओ का ये एक रिमोट प्लेस है, यहाँ से हम लोग शुरुआत कर रहे हैं फिर से। लगभग बहुत सालों से यहाँ पे इस इशू को लेके ऑटोनोमस स्टेट इशू को लेके यहाँ पे मीटिंग नहीं हुआ है। तो आज जब हम लोग यहाँ पे पहुँचे तो यहाँ के गांव वाले यहाँ के बुजुर्ग लोग सभी हम लोग से बहुत खुश है और उनका काफ़ी हद तक हम लोग को समर्थन भी मिला और उनसे हम लोग आशा भी रखते हैं कि भविष्य में भी हम लोग का ये आंदोलन आम जनता का आंदोलन होगा। इसीलिए हम लोगों ने पीपल्स मूवमेंट बोल के इस आंदोलन को नाम दिया है। तवी तवी फायर नहीं रहा
खेपरे बाजार उदेह क्रीप कामराव खराव फैबा उदेजा दी सूसर एरा लुंबा हम्बा हम्बा खुशी उबान जिंग खाना लंका क्रीप खराव फैखा मैं जिगमिया उदेबा नहीं बो खुशी दे जिंग क्रीपो खराव जुरुमा क्रीपो इक सपोर्ट लाइमा जिंग इरा गाव जमा रिलेखा उदेबान लाइ गिबिन गिबिन गाव बांगी जो सालेबा तेरे दीसु जिनी दीसु जिनी फुरी आनसाराव हमसी खुशी तमाने जिंग जुरुमारी मानसारा जिंग खारे सालेखा देवलिसने मजार आंगलांगो ब्रानी मुनेन पंगलो दुआब दे मैसे जाफ्रांफिया सुरु जाय दं लांगो ब्रानी मुनेन पंगलो